अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू बी आर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुछ लोगों ने खीरे की मेरी वीडियोस को देखने के बाद कुछ सवालात थे और कुछ लोगों ने कहा था कि इसका थोड़ा सा मुकम्मल प्लान बता दूं। सो मुकम्मल प्लान में सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि खीरा लग कब कब सकता है। सो अब खीरा जो है तकरीबन पूरे साल की फसल बन चुकी है अगर आप उसको टनल में लगाते हैं। हम लोगों ने पहला सितंबर में लगाया था, अब हमने दोबारा पनीरी लगा दी है और हम उसको जनवरी के मिड में या जनवरी के पहले सेकंड वीक में उसको हम शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह टनल के अंदर। सो जो सर्दियों में लगेगा उसके ऊपर आपको शॉपर चढ़ाना पड़ेगा और जो गर्मियों में लगेगा उसके ऊपर आप एंटी इंसेक्ट नेट या आप टिश्यू के अंदर जा सकते हैं। ये हम लोगों ने सितंबर में लगाया था एंटी इंसेक्ट नेट में और अब हमने इसके ऊपर बीच में आके शॉपर चढ़ा दिया था और अब दोबारा हम इसको शॉपर में ही लगाएंगे, लेकिन फरवरी के बाद हम इसको दोबारा एंटी इंसेक्ट नेट इसके ऊपर चढ़ा देंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी और गर्मी इसको मोस्टली जो चाहिए वो दिसंबर जनवरी के अंदर चाहिए। सो ये तो बात होगी कि आपने इसको किस किस मौसम में लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। सो जो मेजर प्लान इसका है, सबसे पहले आपको टनल चाहिए। टनल के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर चाहिए, ये तारे चाहिए, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो कर चुका हूँ, टनल की मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अंदर आपको क्रॉप नेट चाहिए ताकि आपकी ये जो बेलें हैं इस तरह बेलें चढ़ सकें। अभी ये खीरा हमारा ख़त्म हो चुका है, इसको हम उतार रहे हैं और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन तैयारी करके इसके अंदर दोबारा पनीरी शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ज़मीन की तैयारी में हम लोगों ने नाइट्रोफॉस यूज़ की थी और हम लोगों ने पोटाश यूज़ किया था और जैसे ही वो 6 इंच के ऊपर पहुँच गया था तो हमने उसके अंदर दोबारा नाइट्रोफॉस और सल्फर यूज़ किया था। उसके बाद हमने बहुत सी खादें यूज़ की हैं, हमने कैन गुआरा भी यूज़ किया, हमने इसमें MAP भी यूज़ किया है, हमने इसके अंदर सुल्तान का TE भी डाला है, हमने इसके अंदर एनरिच सजेंटा भी एक दफ़ा डाला है, उसके अलावा हम लोगों ने इसमें अमोनियम सल्फेट भी डाला है। वो मैं पूरा प्लान आप नीचे लिख भी दूंगा अगर किसी को चाहिए मेरे से। ड्रिप का लहदा है और अगर आप फ्लड करें तो उसका लहदा प्लान। दूसरी समझने की चीज़ ये है कि इसमें फंगस बहुत ज़्यादा अटैक करता है और अगर आपका एक दफ़ा फंगस आ गया तो उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो आपको थोड़ा सा उसका बहुत ख्याल रखना है। हम लोगों ने क्या किया था, हम हर तीसरे दिन जब पौधा हमारा चेंज पैकेट था या थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया तो हर तीसरे दिन हम फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे थे। फंजीसाइड का जो स्प्रे है उसमें सबसे अच्छा जो मुझे हुआ था, एक तो रिवर्स है सिजेंटा का और दूसरा इसमें कासोमिन अच्छा है, एलियट अच्छी है और उसके अलावा हम 2 स्प्रे जोर सूंडी और उसके लिए हम ओबेरॉन भी करते रहे और 1 स्प्रे हम रेडिएंट भी करते रहे, जिससे एक सूंडी के लिए कीड़ों के लिए और एक अगर आपकी ज़मीन के अंदर कोई है उसके लिए हम लोगों ने किया था। एलियट को आई थिंक फ्लड किया था, वो मैं लिख भी दूंगा दोबारा देख के कौन सा था। सो फंगस की आपको पता कैसे चलता है, आपके जो साइडें हैं वो पीली होनी शुरू हो जाती हैं या पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है, उसमें डाउनी का मोस्टली अटैक आता है। ज़्यादातर सर्दियों में आता है, अगर जितनी नमी इसको मिलती है उतना ख़राब होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपने इसको पानी कम देना है, पानी आपने इसको तब देना है जब ये पानी मांगे। ज़्यादा पानी देने से भी इसमें फंगस आता है। हम लोगों ने शुरू में ये गलती की कि हमने पानी बहुत ज़्यादा कम भी दे दिया। सो लेकिन जब आपका खीरा पानी मांग रहा है आपने इसको पानी देना है और आपने कोशिश करनी है उसके साथ कोई ना कोई इसको खाद भी साथ दे दो। फंजीसाइड का मैंने आपको बता दिया, कासोमिन है, रिवस है और एलियट भी है, रेडिएंट सूंडियों वगैरह के लिए, ओबेरॉन है, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको अपने पास ला के फंजीसाइड्स रखने पड़ेंगे। सक्सेस एक अच्छी है जिसको हम यूज़ करते रहे हैं और जिससे हमें काफ़ी इसका वो फ़ायदा हुआ था। दूसरी चीज़ जो आ जाती है इसमें न्यूट्रिएंट्स की आ जाती है। इसको जहाँ फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं हफ्ते में एक दफ़ा जब ये फ्रूटिंग पर आ जाता है इसके न्यूट्रिएंट्स भी दें, जिसमें सबसे अच्छा एजाबियन है सिजेंटा का। हमें एजाबियन से ज़्यादा जो रिजल्ट दिया वो टेकमन मैक्स ने दिया। टेकमन मैक्स का स्प्रे हम हर वीक बाद या हर 2 वीक्स बाद करते रहें जिससे हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। और उसके अलावा जिस तरह मैंने बताया एनरिच सिजेंटा हो गया या सुल्तान हो गया, ये भी आपके ट्रेस एलिमेंट्स, ये भी जो हैं आपको एक किस्म के न्यूट्रिएंट्स ही देते हैं। सो ये भी आपने साथ साथ इसको हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा आपने इसको न्यूट्रिएंट्स देने हैं। अगर आपका एकड़ के ऊपर पूरी प्रोडक्शन हो जाती है सो आपको तकरीबन 250 से 300 शॉपर्स मिलते हैं या इससे ज़्यादा भी लोगों को मिले हुए हैं। अभी तक हमें जो रेट मिला है 300 से नीचे नहीं गया मंडी में रेट। सो हमें रेट बहुत अच्छा मिला और हमारी प्रोडक्शन हर दूसरे, शुरू में हर 2 दिन बाद तोड़ाई हो रही थी और उसके बाद हमारी हर 1 दिन के बाद तोड़ाई हो रही थी। सो ये एक छोटा सा प्लान है खीरे का, जिसमें अगर किसी को समझ नहीं आती है, अगर कुछ फंस रहे हैं, तो जितना मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से मैं उनको गाइड कर सकूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, तो हम आपको उसमें गाइड कर देंगे। थैंक यू जी।